हेलो इन्वेस्टर्स, तो गाइस आज हम बात करने जा रहे हैं आलोक इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में। तो गाइस शेयर के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मेरा एक टेलीग्राम चैनल है जहां पे मैं शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और इंट्राडे कॉल्स देता हूं। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वहां पे जाके विजिट कर सकते हैं, लिंक उसकी डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखी है। तो गाइस शेयर के बारे में बात कर लेते हैं। काफ़ी दिनों बाद इसके अंदर फिर से हमें बहुत अच्छी अच्छी न्यूज़ें मिल रही हैं कि शेयर बहुत सही जा रहा है, अपर सर्किट देखने को मिल रहा है। यहाँ पर फ्लक्चुएशन थी और फिर बाद में इस जगह पे सर्किट लग चुका है और लोग पता नहीं क्यों मैसेज करते हैं। मैं पहले भी एक अपर सर्किट लोअर सर्किट की वीडियो बना चुका हूँ और उनको बता भी चुका हूँ कि अपर सर्किट में अगर आप बाय करोगे तो बहुत रेयर चांसेस है कि आपको मिले। जब तक कोई सेल नहीं करेगा आप लोग बाय नहीं कर पाओगे, तो इसके अंदर आप बाय नहीं कर पाओगे दोस्तों। तो अभी ये 40 के आसपास चल रहा है और इसी के बारे में बता दूं कि मैंने मेरे टेलीग्राम ग्रुप में ही सभी को कॉल पहले ही दे दिया था। 26 to 28 रुपीज़ के बिटवीन में ही मैंने कॉल दे दिया था कि आप लोग इसे बाय कर लीजिए और बेहतर रहेगा। और 30 प्राइस पे तो मैंने क्वांटिटी वाइज आपको कह दिया था कि आप लोग बाय कर सकते हैं। ये सब मैं टेलीग्राम में कहता हूँ, वहाँ पर मैं बहुत सारे कॉल्स देता हूँ, वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं। तो गाइस बहुत सारे मेम्बर्स पहले से फंसे हुए थे 50 के आसपास, वो लोग भी एवरेज कर चुके हैं। जो भी मेरे वहाँ पे मेंबर्स थे 28-30 के अराउंड वो लोग एवरेज कर चुके हैं अपना, और नए वाले भी जुड़ चुके हैं आलोक के अंदर। तो अब आलोक का ट्रेंड क्या रहने वाला है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले क्वार्टर फोर रिजल्ट अगर आप लोग को समझ में नहीं आया उसका एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन मैं आपको दे देता हूँ। नंबर वन ये कंपनी मेक लॉस फ्रॉम मेन बिजनेस 420 करोड़। हाँ, उनका लॉस हुआ है, बात सही है, लेकिन कंपनी मेक्स प्रॉफिट ऑफ रुपीज 2052.55 करोड़ फ्रॉम एक्सेप्शनल आइटम। तो बाहर का उनका जो बिजनेस था उससे, और ओवरऑल प्रॉफिट जो इनका हुआ उससे 1632 करोड़ तक का इनका बिजनेस हुआ है। तो गाइस ये एक्सेप्शनल आइटम्स मतलब ऐसा नहीं है कि उनका प्रॉफिट नहीं है, ये भी उनका पर्सनल प्रॉफिट में काउंट होगा, इससे कोई घबराने वाली बात नहीं है। अगर आपको क्वार्टर फोर रिजल्ट समझ में नहीं आया तो क्वार्टर फोर रिजल्ट डज नॉट डिसअपॉइंट दैट मच कंसिडरिंग रिजल्ट ऑन गोइंग रैली सीम्स टू बी नॉट टू बी डिसरप्टेड। और दूसरा पॉइंट इसका ये, ऑपरेटर मे ट्राई टू सेल हैवी अमाउंट चेंजिंग सेंटिमेंट। तो गाइस शेयर बहुत सही है, जैसा कि मैं आपको पहले बता रहा था, इसका मेन बिजनेस टेक्सटाइल का है, फिर इसका सेकेंडरी पीपी किट का बना। मैं हर वीडियो में यही आपको नोटिफाई करता रहता हूँ और आगे भी करता रहूँगा। तो अभी इस शेयर में क्या होने वाला है, मेरे बहुत सारे मतलब सब्सक्राइबर पूछ रहे हैं कि अब इस शेयर का फ्यूचर कैसा रहेगा और कितना इसके अंदर अपर सर्किट लगेगा या फिर अभी फिर से हमको कब बाय करने का टाइम मिलेगा। तो गाइस इसका जो ग्राफ जो शो करता है वो यहीं पे शो कर रहा है कि इसको ऊपर खींचा जा रहा है ट्रेड सभी के द्वारा, सभी लोग इसे ऊपर लेके जाना चाहते हैं, हम जैसे इन्वेस्टर्स भी और कंपनी भी, क्योंकि सबको प्रॉफिट चाहिए भाई और आगे भी लेके ही जाएंगे इसको। और अभी जो इसका टारगेट मैं आपको दे देता हूँ 40 के अराउंड है, पहले 50 जाएगा और उसके बाद अगर मैं टारगेट देना चाहूँगा तो 100 का, जैसे मैंने मेरी पिछली वीडियोस में दो महीने पहले की या तो एक महीने पहले की वीडियोस में मैंने आप लोगों को पहले बता दिया था कि इसका टारगेट मेरा 100 रहेगा, जब भी इसका जाएगा तब जाएगा। ये साल में 100 तो बहुत जल्दी क्रॉस करते हैं, साल की तो दूर की बात है। तो नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, अभी जैसे ये यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रेंड इसने पकड़ लिया, नीचे आया और अब ये और ऊपर जाने की ट्रेंड में है। तो करीब करीब 100 के पास या 110 के पास तक ये बीच में जाके फिर ही मेरे को लगता है कि इसके अंदर हमको कुछ डाउन ट्रेंड देखने को मिलेगा। बाकी बीच में एक दो दिन कभी फ्लक्चुएशन देखने को मिल जाए, क्योंकि कोई भी सेलिंग कर सकता है अपना प्रॉफिट बुक करने के लिए, कोई भरोसा नहीं है शेयर के अंदर, शेयर मार्केट के अंदर। तो फ्यूचर इसका यही है कि बहुत ऊपर जाएगा, अभी जैसे इसने ट्रेंड पकड़ रखी यहाँ से तो ये और ऊपर जाने वाली है, इससे तो ऊपर क्रॉस डेफिनेटली कर ही देगी। तो आप लोग डरिए मत, जिसका भी 50 रुपीज़ के आसपास था, 55 के आसपास था, सभी को डेफिनेटली प्रॉफिट होने वाला है। इसीलिए मैं सभी को मना कर रहा था इसमें से निकलने के लिए और बहुत लोगों ने सलाह भी मानी और रुके हुए भी हैं, और आई होप सबको प्रॉफिट होगा, सब लोग अच्छा कमा रहे होंगे, शेयर मार्केट से कमाते रहिए। तो गाइस इस शेयर के बारे में इतना कहना चाहूँगा, शेयर बढ़िया है, फाइनेंशियली भी स्टेबल है, सब कुछ बेस भी इसका क्लियर है, बहुत बढ़िया शेयर है, जिसने बाय किया प्रॉफिट में है, आगे भी प्रॉफिट में रहेंगे। और कुछ बीच में न्यूज़ आती है तो मैं आपके लिए ज़रूर इधर बैठा ही हूँ अपडेट देने के लिए, और अपडेट देता रहूँगा जैसा भी मुझसे बनेगा। तो गाइस सपोर्ट करिए, आप लोगों के सपोर्ट से 5K सब्सक्राइबर मेरे कंप्लीट हो चुके हैं एक महीने के अंदर, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।